हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी संस्कृत मैम ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस देववाणी संस्कृत पाठमाला भाग चार पाठ एक प्रथम पाठ प्रार्थना द प्रेयर। प्रार्थना से शुरू करते हैं। सभी काम की शुरुआत बच्चों जब हम करते हैं तो प्रार्थना से ही करते हैं। आइए चलिए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्राणदम शीतलम वायुम जीवदम निर्मलम जलम अन्नदाम मातरम पृथ्वीम यश्चकार नमामि तम। इसमें बच्चे क्या प्रार्थना कर रहे हैं, ये बच्चे खड़े हुए हैं देख रहे हैं आप, ये सब बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर की। बच्चे कह रहे हैं कि जिसने प्राण देने वाली ठंडी वायु को, जिसने हमें जीवन देने वाली ठंडी वायु को और जीवन देने वाले स्वच्छ जल को और अन्न देने वाली धरती माता को बनाया, उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। ये बच्चे क्या कह रहे हैं कि जिसने हमें प्राण देने वाली ठंडी हवा को, जीवन देने वाले स्वच्छ जल को और अन्न देने वाली धरती माता को बनाया है, ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। दूसरा है इसमें बच्चे श्लोक, ये न शुक्ली कृतो हंसो लवणाक्तौ महोदधि सहस्रांशु कृत सूर्यस्तमहि सर्वात्मने नमः। अर्थ है जिसने हंस को सफेद बनाया और समुद्र को नमक युक्त बनाया और सूर्य को सहस्रों किरणों वाला, हजारों किरणों वाला बनाया, उस सर्वात्मा को हमारा मेरा प्रणाम है। क्या बोला बच्चों ने कि जिसने हंसो शुक्ली कृतो, जिसने हंस को सफेद बनाया, लवणाक्तो महोदधि, जिसने सागर को समुद्र को खारा बनाया और नमक युक्त बनाया, और जिसने सूर्य को हजारों सहस्रों किरणों वाला बनाया, उस सर्वात्मा को मेरा प्रणाम है। फिर येन विचित्रतम पुष्पम चंद्रमा शीतली कृता सर्वसहा कृता पृथ्वीम यश्चकार नमामि तम। अब बच्चे क्या प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि जिसने, येन जिसने फूलों को रंग बिरंगा बनाया, विचित्र बनाया माने रंग बिरंगा बनाया, और चांद में जिसने शीतलता यानी कि ठंडकता जिसने चांद में दी, सर्वसहा कृथा पृथ्वी में धरती को जिसने सब कुछ सहने वाली बनाया, उस परमात्मा को, उस विश्वात्मा को मेरा नमस्कार है। जिसने इतना सब चमत्कार किया, फूलों को रंग बिरंगा बनाया, जिसने चंद्रमा में शीतलता दी, जिसने वायु को, प्राण देने वाली वायु को बनाया, जिसने ठंडा जल बनाया, जिसने इस धरती को बनाया, ऐसे परमात्मा को नमस्कार करा बच्चों ने। और बच्चों ने कहा कि जिसने ये सब सहने वाली पृथ्वी को बनाया, उस परमात्मा को, उस सर्वश्वात्मा को मेरा प्रणाम है। वंदे पिता महाकाशो पूज्या माता वसुंधरा ध्येयम सदा परम ब्रह्मम येनेदम धार्यते अखिलम। क्या कहा बच्चों ने प्रार्थना में, पिता स्वरूप महान आकाश हमारे क्या हैं, वंदनीय हैं, उनकी हम वंदना करते हैं, और जो माता स्वरूपा हमारी धरती है वो हमारी पूजनीय है। ध्येयम सदा परम ब्रह्म येनेदम धार्यते अखिलम, जिसने संपूर्ण विश्व को धारण किया हुआ है वह परमेश्वर सदा क्या है, ध्यान करने योग्य है, वो परमेश्वर हमेशा वंदनीय है, उन परमेश्वर की हमेशा हमें वंदना करनी चाहिए, जिसने पिता स्वरूप महान आकाश हमारे लिए वंदनीय है और माता स्वरूप वसुंधरा धरती हमारे लिए पूजनीय है। ऐसे परमपिता परमेश्वर, संपूर्ण विश्व को जिन्होंने धारण किया हुआ है, ऐसे परमेश्वर को हम सदा नमन करते हैं, हमारा सदा ध्यान करने योग्य है। तो बच्चों देखा आपने प्रार्थना में बच्चों ने कितना सुंदर ईश्वर की प्रार्थना की है कि हम उस परमपिता परमेश्वर को हमेशा प्रणाम करते हैं। पाठ में आए हुए बच्चों कुछ शब्द हैं और उनके अर्थ के बारे में जान लेते हैं। प्राणदम यानी कि प्राण देने वाला, जीवदम यानी कि जीवन देने वाला, और अन्नदानम यानी कि अन्न देने वाली, और यश्चकार माने जिसने बनाया, शुक्ली कृत है माने सफेद बनाया, लवणाक्त है नमक से युक्त, और महोदधि क्या है, महासागर, और सहस्रांशु हजारों किरणों वाला, सर्वात्मा ने सबको, आत्मा सबकी आत्मा को, सबको यानी कि आत्मा को, और वंदे माने वंदना करने योग्य,
महाकाशे माने महान आकाश, और धार्यते अखिला माने सब कुछ धारण किया हुआ है, सुखिने माने सुखी, निरामया रोग रहित जिसको कोई रोग ना हो, और भद्राणी माने अच्छाइयों को। तो इसमें पाठ में जो श्लोक दिए थे उनके कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थों के बारे में जाना बच्चों हमने। ये आपको शब्द और उनके अर्थ याद करने हैं जिससे कि आपको बहुत आसान हो जाएगा। पाठ में अभ्यास कर रहे हैं, पहला अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या उत्तर दिए? केन पुष्पम विचित्रतम, किसने पुष्प को विचित्र बनाया है? किसने? ईश्वर है, ईश्वर ने बनाया है ना। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, परमात्मा ने, ईश्वर ने, विश्वात्मा ने, उस सर्वात्मा ने पुष्पम विचित्रतम। का सर्वसहा, सब कुछ किसने सहा है? वसुंधरा। वसुंधरा को बताया है कि वो सब कुछ सहने वाली है। सहस्रांशु कह, हजारों किरणों वाला कौन है? सूर्य। सूर्य हजारों किरणों वाला है। महोदधि की दृश्य है। महासागर कैसा है? लवणोक्त, नमक से युक्त है ना, लवणोक्त महासागर है। तो इस प्रकार बच्चों हमने प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में जाना। एक्सरसाइज नंबर 2 है हमारी, नीचे लिखे हुए श्लोकों को पूर्ण करना है। एक्सरसाइज नंबर 2 पार्ट 1, नीचे लिखे हुए श्लोकों को पूरा करना है। वंदे पिता महाकाशो पूज्या माता वसुंधरा डैश येनेदं धार्यते अखिलम्, ध्येयं सदा परम ब्रह्म येनेदं धार्यते अखिलम्, येन शुक्लीकृतो हंसः डैश सूर्यस्तमै सर्वात्मने नमः, सहस्रांशु कृतः सूर्यस्तस्मै सर्वात्मने नमः। तो इस प्रकार बच्चों हमने पाठ में आए हुए इन श्लोकों को पूरा किया। हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 है, उचित उत्तर देखकर उचित निशान लगाना है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। प्राणदम शीतलम, जलम वायु या अन्न, प्राणदम प्राण को भी जो शीतलता प्रदान करते हैं क्या? येन शुक्लीकृतो, जिसने सफेद बनाया किसको? लवण को या संगमरमर को या हंसों को? हंस को। पुष्पम विचित्रतम, जिसने पुष्प को विचित्र बनाया, माली, भौरा या ईश्वर? ईश्वर ने बनाया सबको, ऐसे ईश्वर को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4 है बच्चों हमारी, हिंदी में अनुवाद करना है। कुछ वाक्य दिए हुए हैं जिनका कि हमें हिंदी में अनुवाद करना है। येन विचित्रतम पुष्पम चंद्रमा शीतलीकृता सर्वसहा कृता पृथ्वी तस्मै विश्वात्मने नमः। क्या बच्चे कर रहे थे प्रार्थना? बच्चे प्रार्थना कर रहे थे कि जिसने पुष्प को यानी कि फूल को रंग बिरंगा बनाया, अभी मैंने आपको समझाया था ना, जिसने चंद्रमा में शीतलता प्रदान की, सर्वसहाकर्ता पति, जिसने पृथ्वी को सब कुछ सहने वाला बनाया, सब कुछ सहने वाला बनाया, ऐसी विश्वात्मा को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। फिर बताया है उन्हें प्राणदम शीतलम वायु, प्राणों को शीतल करने वाली वायु को, प्राणों को शीतल करने वाली वायु को, जीवन देने वाले जल को, अन्न देने वाली पृथ्वी को, अन्न देने वाली पृथ्वी को जिसने बनाया है, जिसने बनाया उस सर्वात्मा को
उस सर्वात्मा को मेरा क्या है, प्रणाम है। उस सर्वात्मा को मेरा प्रणाम है। नेक्स्ट है फिर, येन शुक्लीकृतो हंसो लवणाक्तो मोददि, जिसने हंस को सफेद बनाया है, हंस को सफेद बनाया है और महासागर को नमक युक्त बनाया है। सागर का जल खारा होता है ना, जिसने महासागर को लवण युक्त बनाया है और जिसने जिसने सूरज को हजारों किरणें दी हैं, जिसने सूरज को हजारों किरणें प्रदान की हैं, ऐसे सर्वात्मा को मेरा प्रणाम है। ऐसे सर्वात्मा को मेरा प्रणाम है, जिसने सूरज को हजारों किरणें दी हैं, जिसने महासागर को लवण युक्त बनाया है, जिसने हंस को सफेद बनाया है, ऐसी सर्वात्मा को मेरा प्रणाम है। ऐसी प्रार्थना बच्चों ने की थी, तो ये आपने प्रार्थना समझ ली। एक्सरसाइज नंबर 5 है बच्चों हमारी, संस्कृत में अनुवाद करना है। परमेश्वर ही इस संसार के पालक है। परमेशम ही संसारस्य पालकः। हम प्राण देने वाले परमेश्वर को प्रणाम करते हैं। प्राणदा परमेश्वरम वयम प्रणमामः। धरती हमारी माता है, वसुंधरा अस्माकं जननी अस्ति। निरोग व्यक्ति सुखी रहते हैं, निरोगः सुखिनः भवन्ति। सब मनुष्यों को ईश्वर सुखी करे। सर्वेषां मनुष्याणां ईश्वरः सुखिं भवेत। तो इस प्रकार बच्चों हमने पाठ में आए हुए कुछ हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करा और संस्कृत में आने वाले वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करा। अब एक्सरसाइज नंबर 6 है हमारी, पाठ के आधार पर निम्नलिखित विशेषणों को रेखांकित करना है। जो पाठ में आए हुए कुछ विशेषण हैं उनको हमें रेखांकित करना है। जैसे पृथ्वी ताम्रा अनंदा या निम्नमा। पृथ्वी क्या है? अनंदा, अन्नदा है, अन्न देने वाली है। वायु सहस्रांशु विचित्र है और प्राणद है। वायु क्या है? वायु प्राणद है, प्राण देने वाली है। जलम कैसा है? शुक्लीकृतम अन्नदम या जीवदम। जलम कैसा है? जलम जीवदम है। और चंद्रमा कैसा है? प्राणद है, शीतलीकृत है या लवणाक्त है। चंद्रमा शीतलीकृत। परम ब्रह्म कौन है? हेयम ध्येयम या पेयम ध्येयम। तो इस प्रकार हमने पाठ के अनुसार जो इसमें विशेषण आए हुए थे उनको हमने देखा। एक्सरसाइज नंबर 7, संधि विच्छेद करनी है। विश्वात्मने विश्व प्लस आत्मने, सर्वात्मने सर्व प्लस आत्मने, लवणाक्त लवण प्लस तव, सहस्रांशु सहस्र प्लस अंशु, यश चकार यह प्लस चकार, महोदधि महा प्लस उदधि। ठीक है, इस प्रकार हमने पाठ में आए हुए कुछ संधि विच्छेद किए।
एक्सरसाइज नंबर 8 है बच्चों, लिखे हुए नीचे लिखे हुए शब्दों के बीच में प्रत्येक शब्द का पर्यायवाची चुनना है। यहाँ ये जो शब्द दिए हुए हैं, यहाँ जो शब्द दिए हुए हैं इनमें से ही हमें इनके दो दो पर्यायवाची चुनने हैं। पहला है पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? वसुधा। और क्या है? धरा, है ना। चंद्र क्या है? चंद्र निशाकर और शीशा। वायु क्या है? पवन और अनिल। सूर्य है रवि और दिवाकर। तो इस प्रकार हमने पाठ में इन शब्दों को देखकर दो दो पर्यायवाची इन शब्दों के लिखे हैं, ये आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारा है एक्सरसाइज कार्य है बच्चों, एक्टिविटी है। आप कोई भी प्रार्थना अर्थ सहित, कोई भी प्रार्थना हो सकती है अर्थ सहित, अपनी कॉपी में उत्तर पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में लिखनी है। चित्र बनाना चाहें तो आप चित्र भी बना सकते हैं। तो आपको वो प्रार्थना लिखकर अपने अध्यापक को दिखानी है। ये आपका होमवर्क है जो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। तो इस प्रकार बच्चों हमने प्रार्थना करी ईश्वर की, और प्रार्थना में कहा कि उस परमपिता परमेश्वर को हमारा बार बार नमस्कार है जिसने कि इन सब चीज़ों को बनाया, सहन करने वाली धरती को बनाया और ठंडक देने वाले शीतल चंद्रमा को बनाया। ऐसे परमपिता परमेश्वर को हमारा बार बार नमस्कार है। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।